आज की कहानी किसी काल्पनिक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि 1950 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हुई युद्ध स्थिति के बीचों बीच फंसी एक बच्चे के जीवन की सच्ची आप बीती है, जिसका नाम आयला है। मुझे भरोसा है ये कहानी ना ही अंत तक आपको रुला देगी, बल्कि प्यार का वो रूप लेकर खड़ी होगी जिसे देश दुनिया यहाँ तक कि वक्त भी आपसे छीन नहीं सकता। पूरी कहानी जरूर सुनना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कर ले ऐसी कहानी सुनने के लिए। 2017 की साउथ कोरियन टर्किश मूवी आयला द डॉटर ऑफ वॉर, डायरेक्टर कैन उलकई, आईएमडीबी रेटिंग 8.4। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया का एक छोटा सा गाँव है जहाँ कुछ एक घरों के बीच एक परिवार और भी है जिसकी एक 5 साल की बेटी है। माँ बाप की लाडली हस्ती खिलती चंचल सी सियाल, मगर उस दिन ये गांव भी दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया। एक के बाद एक युद्ध विमानों से बम बरसाए जाने लगे और जल्द ही उत्तर कोरिया के सैनिकों ने गांव में कूच कर दिया, यानी युद्ध शुरू हो गया है। सियाल की माँ ने उसे एक महफूज जगह में छुपा कर कहा, बिल्कुल शोर मत करना और यही मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगी। उस वक्त नन्ही सियाल को क्या मालूम था कि वो अपनी माँ को आखिरी दफा देख रही है। काफी देर हो गई, फिर भी सियाल माँ का इंतजार कर रही है। उसे नहीं मालूम कि सैनिकों ने सब खत्म कर दिया है और उसकी माँ को भी। वो इसी उम्मीद में बैठी है कि माँ अभी आ जाएगी। अब दूर टर्की देश में दृश्य बदल जाता है। सुलेमान एक टर्की सैनिक है और अपने दोस्तों के साथ शहर की ओर जा रहा है। तभी रास्ते में एक लड़की नौरा को देखते हैं जो सुलेमान को पसंद करती है। यही हाल सुलेमान का भी है, लेकिन उन दोनों ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। नौरा की दोस्त उसे बताती है, दक्षिण कोरिया में छिड़े युद्ध में टर्की से मदद मांगी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ से सेना भेजी जा रही है, हो सकता है कि सुलेमान को भी वहाँ जाना पड़े। नौरा चिंता में पड़ गई क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि सुलेमान को युद्ध करने इतनी दूर देश भेजा जाए। लेकिन जल्द ही उसका डर हकीकत में बदल गया। सेना अधिकारी ने सुलेमान को बुलाकर दक्षिण कोरिया के हालातों से अवगत कराया। उसे और उसके बटालियन को जल्द ही वहाँ जाना होगा। उस रात वो नौरा से मिला। नौरा उसे जाने नहीं देना चाहती, अगर उसे वहाँ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सुलेमान ने उसे समझाया, कोरिया को तुर्की की जरूरत है और तुर्की सरकार को हम जैसे नौजवानों की। मुझे देश के लिए जाना होगा, भारी मन के साथ नौरा ने अपने प्यार को विदा किया। अगले दृश्य में सुलेमान अपने दोस्त अली और बाकी सैनिकों के साथ समुद्री जहाज में रवाना हो रहे हैं। सुलेमान अपने माँ बाबा के लिए एक खत छोड़ गया जिसे पढ़कर उन्हें सुलेमान के माता पिता होने पर बहुत गर्व की अनुभूति हुई, और एक खत उसने नौरा के लिए छोड़ा जिसमें उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया है और ये वादा भी किया है कि वो जल्द वापिस आकर उससे शादी करेगा। अब उस समुद्री युद्ध जहाज में आ जाते हैं और हमें मालूम होता है कि सुलेमान एक बड़े ही अच्छे दिल का इंसान है। एक रोज कुछ चींटियां देखकर उन्हें मारने के बजाय वो उन्हें खाना खिला रहा है, लेकिन ये जल्द ही एक चिंता का विषय बन गया उसके साथी और अन्य अधिकारियों के लिए। जो इंसान एक चींटी नहीं मार सकता, वो युद्ध के मैदान में इंसान को कैसे मारेगा। अब कई दिनों के लगातार सफर के बाद जब उनका जहाज दक्षिण कोरिया के बंदरगाह तक पहुंचा, वहां के स्थानीय लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। वहां से निकलकर जब सुलेमान और उसका दोस्त अली की टोली बेस कैंप की तरफ बढ़ी, रास्ते में दोनों तरफ का दृश्य देख उनकी रूह कांप गई। वहां लोगों के मृत शरीर का ढेर और उनके परिजनों के हाहाकार हर तरफ गूंज रहा है। अब बेस कैंप पहुंचकर उन्हें एक साथी ने बताया कि युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा और हम अपने अपने घर लौट सकेंगे। तभी उत्तर कोरिया के हवाई जहाजी बेड़ों ने उन पर हमला कर दिया। उनके कई साथी मारे गए। मतलब साफ है, ना ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होगा और ना ही वो जल्दी घर लौट सकेंगे। अब एक दिन सुलेमान और उसके कुछ साथी रात के अंधेरे में शहर की तरफ बढ़ रहे हैं कि तभी उन पर दोबारा हमला हुआ। वो किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागे, जहां जिस भी जहाज में नजर दौड़ाओ मरे लोगों की लाशों की ढेर लगी है। वहीं कुछ दूर से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो उस तरफ बढ़ने लगे जहां उन्हें वही बच्ची सियाल मिली। वो अपने मरी माँ की लाश का हाथ पकड़े बैठी हुई है। उसने लाखों के लाशों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लिया। ना जाने वो वहाँ कितने दिनों से बैठी है, भूखी प्यासी डरी सहमी। उसे तो किसी के मर जाने का मतलब ही नहीं पता। सोच रही होगी, माँ सो रही है, जाग जाएगी।
सुलेमान ने उस बच्चे की तरफ अपना हाथ फैलाया और वो नादान बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से जा लगी। अब बच्चे को भी वो लोग अपने साथ कैंप लेकर आ गए। सुलेमान के एक दोस्त ने पूछा, क्या ये उत्तर कोरिया की है या दक्षिणी? जिसके जवाब में सुलेमान ने कहा, वो चाहे किसी की तरफ से हो, उसका परिचय यही है कि वो एक मासूम बच्ची है जिसकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। सुलेमान को वो बच्ची चांदनी रात में मिली थी, इसीलिए उसने उसका नाम आयला रखा, यानी जमीन पर चांद का एक टुकड़ा। बेशक वो बच्ची किसी चांद का टुकड़ा ही है। अब सुलेमान अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के बीच खड़ा है। जंग की रणनीति तैयार की जा रही है। इस युद्ध में अमेरिका और तुर्की दक्षिण कोरिया का साथ दे रहे हैं और चीन उत्तर कोरिया का। दृश्य फिर बदलता है, सुलेमान और आयला को दिखाते हैं। सुलेमान कहीं भी आते जाते उसे अपनी गोदी में लिए रहता है और आयला भी सुलेमान के बगैर एक पल नहीं रह पाती। एक दिन वो एक कैंप से दूसरे कैंप की ओर जा रहे हैं। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी से उतरकर जैसे ही वो पैदल आगे की तरफ बढ़े, उन पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। उनके साथ आयला भी है और यहाँ पहली बार सुलेमान ने आयला को बचाने के लिए दुश्मनों को मारने की हिम्मत आई। उसने कुछ चीनी सैनिकों को बिना किसी हथियार अपनी बुद्धि से मार डाला। धमाकों की आवाज सुनकर सुलेमान के कैंप की बाकी गाड़ियां उनकी तरफ मदद के लिए पहुंची। इस अफरा तफरी में एक चीनी सैनिक सुलेमान को लगभग मारने ही वाला था कि तभी उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। सुलेमान बच तो गया, लेकिन चोटें बहुत आई है। शहर के अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई कि चीन ने दक्षिण कोरिया में तुर्की सैनिकों पर आक्रमण किया है। इस खबर ने जल्द ही सुलेमान के घर पर भी दस्तक दी। इधर नौरा को उसकी चिंता सताने लगी और दूसरी तरफ अगले दिन जब सुलेमान को होश आया, आयला के नन्हे हाथ उसकी उंगलियां थामे हुए सामने बैठी है। उसके दोस्तों ने बताया, कल रात से आयला एक पल के लिए भी नहीं सोई, ना ही एक पल के लिए तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं गई। वो कल रात से बस तुम्हारे जगने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर सुलेमान खुशी से भावुक उठा। ये खबर दक्षिण कोरिया के सेना अधिकारी तक भी पहुंची। एक तुर्की सैनिक दक्षिण कोरिया की मिली एक बच्ची का लालन पालन वही कैंप में कर रहा है। उन्होंने विचार किया कि तुर्की पहले से ही युद्ध में हमारी इतनी मदद कर रहा है, इसलिए उन्हें और परेशान न करते हुए उस बच्ची को हमें वहां से ले आना चाहिए। अब सुलेमान के चीफ ने भी उसे ये बात बताई कि कोरिया की सरकार अब इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती है। वो उसे लेने आ रहे हैं, मगर सुलेमान इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। फिर चीफ ने कहा, जल्द ही दक्षिण कोरिया की सरकार तुम्हें वीरता पुरस्कार से नवाजेगी, लेकिन तब ध्यान रहे कि ये बच्ची उन्हें नजर नहीं आनी चाहिए, उसे अपने साथ मत ले जाना। जल्द ही वो दिन आया जब सुलेमान को पूरी सेना के सामने पुरस्कृत किया जा रहा है। वो आयला को वही कहीं छुपा कर आया, लेकिन वो बच्ची उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। उनके असीम प्यार को देखकर दक्षिणी कोरिया के सेना अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि जब तक आयला के रिश्तेदारों का पता नहीं चलता, वो सुलेमान के पास ही रहेगी। ये खबर सुनकर सिर्फ सुलेमान ही नहीं बल्कि उसके पूरे कैंप में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि आयला अब उन सबको बहुत प्यारी हो चुकी है। एक तुर्की सैनिक और कोरिया बच्चे की कहानी पूरी दुनिया का सफर तय कर एक बार फिर तुर्की उनके माता पिता तक भी पहुंची। नौरा को इस खबर से ये तसल्ली हुई कि सुलेमान ठीक है, और साथ ही उसे एक डर भी सता रहा है कि ये बच्ची जिसे वो इतना प्यार करता है कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे कुछ महीने और गुजर गए। सर्दियों का मौसम आ गया। ये पूरा कैंप जैसे आयला के लिए खेल का मैदान बन चुका है। सभी सैनिक आयला का चेहरा पर देखकर युद्ध की सारी बुरी यादें भूल जाते और अपने परिवार की याद आने पर भी वो आयला की तरफ ही देखते। अब आयला धीरे धीरे सुलेमान को ही अपना पिता समझने लगी है। ये बात सुलेमान भी समझने लगा है। वही पास के एक शहर में मेला लगा है। सुलेमान और उसके दोस्त आयला को लेकर वहाँ गए। कुछ अच्छा समय उन्होंने बिताया, खूब सारी तस्वीरें भी ली। वापिस कैंप लौटकर आयला को निश्चिंत होकर सोता हुआ देख वो सब सोचने लगे। कुछ दिन बाद जब उन्हें वापस अपने देश तुर्की चले जाना होगा, वो आयला को छोड़कर कैसे जिएंगे? अब एक सुबह सुलेमान को उसके दोस्त ने बताया, पास के गांव के कुछ लोग आयला के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। ये सुनकर सुलेमान ने उसे इस बात का जिक्र किसी से भी करने से मना किया। रात के अंधेरे में वो खुद इस मामले की तहकीकात करने वहां पहुंचा, जो कि दरअसल
दुश्मनों की एक चाल थी। उन्हें मालूम था कि सुलेमान वहां जरूर आएगा। वो सुलेमान को मारने की कोशिश करते हैं, मगर सुलेमान का दोस्त अली इस बारे में किसी तरह जान गया और उसे बचाने पहुंचा। दोनों किसी तरह वहां से भागने में सफल रहे। अब एक दिन अली की पसंदीदा अभिनेत्री मार्लिन मुनरो कोरिया में एक कॉन्सर्ट के लिए आई है, लेकिन अली नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी है और वो थोड़ा मायूस हो गया। सुलेमान बोला, दिल छोटा मत करो, मैं जाऊंगा कॉन्सर्ट में और तुम्हारे लिए मार्लिन मुनरो की ऑटोग्राफ ले आऊंगा। अब वो कॉन्सर्ट में गया और नन्ही आयला के नाम मार्लिन ने एक ऑटोग्राफ भी दिया। वो ऑटोग्राफ सुलेमान ने अपने दोस्त अली के हाथों में थमाया, जिसे देख वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन किसे पता था कि वो दिन अली का आखिरी दिन होगा। एक गोली अली के सर के आर पार हो गई। अपने जिगरे दोस्त को गवाकर सुलेमान बहुत दुखी है। उसकी कब्र के सामने बैठा उसे बातें कर रहा है, उसे याद करते हुए रो रहा है। ये देख नन्ही आयला भी सुलेमान के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। कितना निश्चल प्रेम है कि जब एक रोए तो दूसरे की आंखों में भी पानी आ जाए। कुछ दिन बाद युद्ध खत्म होने का ऐलान हुआ। तुर्की सैनिकों का दक्षिण कोरिया में आए पूरे एक साल हो गए हैं। जल्द ही एक एक कर उनके बटालियन अपने देश वापस जाने लगे। सभी आयला को गले लगकर रोने लगे और उसे प्यार से अलविदा किया। इस बीच सुलेमान ने वापस ना जाने का फैसला लिया। वो आयला के साथ यहीं कुछ समय और रहेगा। सुलेमान के घर वापस ना आने से उसके माँ बाप और नौरा को बहुत तकलीफ हुई। एक दिन यूं ही बैठे रेडियो सुनते हुए सुलेमान को नौरा की फरमाइश में एक गीत सुनाया गया जो सुलेमान के लिए है। गाना सुनकर सुलेमान की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो भी नौरा से बहुत प्यार करता है, मगर इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर जा भी नहीं सकता। फिर उसने आयला के माथे को चूमते हुए कहा, अगर मैं कभी वापस गया तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। यहाँ सुलेमान के देश में कोई और भी है जिसे उसका इंतजार है, सुलेमान की पक्की सहेली लिली। उसने जब वो गाना सुना वो समझ गई कि सुलेमान किसी और को चाहता है। उसका दिल टूट गया। अब सुलेमान ने चीफ के पास अपनी इच्छा जाहिर की कि वो आयला को अपने साथ तुर्की ले जाना चाहता है। चीफ ने सख्त होते हुए कहा, ये फौज का मैदान है, कोई बच्चों का खेल नहीं। जब तक फौज में हो यहाँ के नियम मानकर चलना होगा। अब कुछ दिनों बाद वहाँ एक कोरियन टीचर आई जो आयला को अपने साथ ले जाना चाहती है। उसने सुलेमान को बताया उनके यहाँ एक यतीम खाना है जहाँ युद्ध से पीड़ित आयला जैसे कई बच्चे रह रहे हैं, साथ ही उनकी शिक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन सुलेमान का मानना है कि आयला मानसिक रूप से तैयार नहीं है समाज का सामना करने के लिए। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कि उसे मैं आने वाले कल के लिए तैयार कर सकूं। तब मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा, सुलेमान बोला। कुछ दिन और गुजर गए। आज वो दिन आ ही गया जब सुलेमान आयला को लेकर उसी टीचर के पास जा रहा है। उसने आयला को समझाया, तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें स्कूल जाना होगा, पढ़ाई लिखाई करनी होगी। इस बात से बेखबर आयला कि सुलेमान उसे यहाँ छोड़कर जाने वाला है, वो खुशी खुशी क्लासरूम में जाकर बैठ गई। बाहर से सुलेमान और उसका दोस्त आयला को देख रहे हैं। बहुत मुश्किल है उसे वहीं छोड़कर चले जाना। किसी तरह मन को सख्त कर वो वहां से निकल गया और बिना पीछे मुड़े बस चलता चला जा रहा है। तभी आयला सुलेमान को वहां न देख दौड़ते हुए इसके पास पहुंची और जोरों से रोने लगी। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे रह पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। सुलेमान दूसरी बार मन को सख्त नहीं कर पाया और वो आयला को लेकर वापस चला आया। अब उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक लकड़ी का बक्सा तैयार किया जिसमें आयला को वो भरकर चुपके से कोरिया से बाहर अपने देश ले जाएगा। जब जाने का दिन आया आयला चुपचाप उस बक्से में जाकर छुप गई, मगर ठीक किसी सैनिक की नजर उस पर पड़ी। उसे शक हुआ और बक्सा खोले जाने पर अंदर से आयला निकली। इस हादसे के बाद सुलेमान को सेना अधिकारी का बुलावा आया। उसे कोई सजा तो नहीं दी गई, लेकिन उसे तुरंत वहां से तुर्की के लिए निकल जाने का आदेश दिया गया, जिस पे सुलेमान बोला, मैं यहाँ अपने जिगरी दोस्त को तो गवा चुका हूँ, आयला को नहीं गवा सकता। उसे भावुक होता देख उस अधिकारी ने कहा, हालात को समझने की कोशिश करो सुलेमान, सेना में रहते हुए तुम उसे नहीं ले जा सकते। एक काम करो, अभी के लिए तुम तुर्की वापस चले जाओ, कुछ सालों बाद दोबारा लौटना और कानूनी रूप से तब आयला को ले जाना। सुलेमान को इसे मानने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं। और वो दिन आ गया जब आयला को छोड़ उसे जाना होगा। उसने आयला से कहा,
तुम्हारे बाबा होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा और उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। नन्ही आयला इन बातों का मतलब क्या समझेगी? उसे तो बस इतना समझ आ रहा है कि उसके बाबा उसे छोड़कर जा रहे हैं। सुलेमान भारी कदमों से जहाज की ओर बढ़ने लगा और पीछे खड़ी आयला जोर जोर से बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि चट्टान जैसे हृदय से भी पानी निकाल दे। अब दृश्य बदलता है और हम तुर्की में नौरा के शहर को देखते हैं, जहाँ सुलेमान को अपने दोस्तों से बुरी खबर मिली कि नौरा शादी कर चुकी है। जब वो आमने सामने उससे बात करने गया, नौरा बोली, तुम तो उस बच्चे के प्यार में कभी वापस ही नहीं आते, इतने साल बीत गए थे, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करती, इसीलिए मैंने शादी कर ली और अब मेरे लिए तुम्हारे पास लौट कर आना मुमकिन नहीं। टूटे दिल से सुलेमान ने तय किया कि वो अब नौरा के शहर में कभी वापस नहीं आएगा और अपने माँ बाबा के पास लौट गया। लेकिन वापस जाने से पहले वो अपनी सबसे अच्छी सहेली लीली से शादी करता है, जो अभी भी सुलेमान का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उनकी शादी को कई दिन हो गए, मगर आज भी सुलेमान के मन में आयला के लिए बेचैनी है, चिंता है, जिसे अच्छी दोस्त होने के नाते लीली समझ सकती है और वो आयला को ढूंढने में उसकी मदद करने का फैसला करती है। लगातार कोरियन एम्बेसी के चक्कर लगाने के बाद एक दिन वहां से उनका बुलावा आया। अधिकारी ने उनसे कहा, आयला को ढूंढने की कोशिश तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची का नाम तो आयला कभी था ही नहीं। वो नाम तो सुलेमान ने उसे दिया था, जो कि एक मुस्लिम नाम है। अब वो नाम तो बदल चुका होगा। जिस बच्ची का नाम ही हमें मालूम नहीं, हम उसे इतने बड़े देश में कैसे ढूंढ सकेंगे? ये बात सुलेमान को अंदर तक तोड़ देती है। उसे कभी आयला से मिल पाने की उम्मीद छीन लेती है। तब लीली ने उसकी हिम्मत बांधते हुए कहा, दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारी आयला को ढूंढना जारी रखेंगे और वक्त के साथ ना जाने कब उनका आयला को ढूंढने का सफर में 47 साल गुजर गए। सुलेमान और लीली एक उम्र के बाद अब बूढ़े हो चुके हैं। फिर एक दिन उनके शहर में भूकंप आया, तब भी सुलेमान घर से निकल जाने के बजाय आयला की तस्वीरों को बटोर रहा है। कहीं ये खो गए तो वो उसकी आयला को कैसे ढूंढेगा? वक्त और 5 साल आगे बढ़ गया। 2002 जापान और दक्षिण कोरिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन टीवी में खेल देखने के बजाय सुलेमान खेल देखने आए कोरिया के दर्शकों में आयला को ढूंढ रहा है, जिसे देख उसकी खुद की बेटी को बुरा लग रहा है। वो चाहती है कि 52 साल के बाद अब तो उसके बाबा इस तलाश को खत्म कर अपने परिवार की तरफ ध्यान दे, लेकिन ये सुलेमान के बस में नहीं है। आज भी जब वो आंखें बंद करता है, उसके पास वो 5 साल की मासूम सी आयला चली आती है, उसे बाबा कहकर बुलाती है, जिससे उसने वापस लाने का वादा किया था। फिर एक दिन किस्मत ने आखिरकार सुलेमान की मन्नतों का जवाब दे ही दिया, बंद दरवाजे खोल दिए। उसे एक रिपोर्टर का फोन आया कि वो आयला और सुलेमान के जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहती है और वो आयला को ढूंढने में भी मदद करेगी। सुलेमान उसे उस जमाने की आयला से जुड़ी एक एक घटना बताता है। रिपोर्टर कहती है, उसे आयला के कुछ दोस्तों की जानकारी तो मिली है, मगर आयला की नहीं। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर को एक फोन आया जिसपे कोई आयला होने की बात कर रही है। बिना किसी को बताए पहले वो खुद आयला से मिलने पहुंची और उसे सुलेमान और उसके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें देखते ही वो रो रो कर कहने लगी, बाबा कहाँ है, मुझे मेरे बाबा से मिलवा दो। यही हम समझ जाते हैं कि वो वही 5 साल की सुलेमान की आयला है। और इसके बाद हम कहानी के सबसे दिल छू लेने वाले हिस्से में आ जाते हैं। 60 साल बाद साल 2010 सुलेमान एक बार फिर दक्षिण कोरिया का सफर तय करता है। तब के कोरिया और आज के कोरिया में जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आयला कैसे बड़ी हुई होगी। यही सब सोचते हुए वो एक पार्क में बैठे आयला का इंतजार कर रहा है। तभी दूर से आयला उसकी तरफ आते हुए नजर आई और दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे के गले से लग गए। बहुत रोए। एक बाप ने 60 साल पहले अपनी बेटी से किया वादा पूरा कर लिया, वो उसे लेने आखिरकार आ ही गया। और इसके साथ हमें असली वीडियो दिखाई जाती है, जहां असल जिंदगी का सुलेमान आयला से मिला था। ये घटना हमारे दिल को छू तो लेती ही है, मगर इसके साथ इंसानियत के प्रति, अच्छाई के प्रति एक उम्मीद जगा जाती है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी हमें आज एक बाप बेटी में सोल मेट्स मिल गया।
कोई हथियार से जंग लड़ता है तो कोई प्रेम से, और प्रेम से जीती लड़ाई की अच्छी बात यही है कि कोई इसमें नहीं हारता, बस सब जीत जाते हैं। और आज की कहानी यही खत्म हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।